छात्रों नमस्कार। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। मान लीजिए स्मॉल आर त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है जिस पर कोई कण गति करता हुआ डेल्टा टी समयांतराल में वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस की दूरी तय कर देता है। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या आर है, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एस की दूरी तय कर देता है डेल्टा टी समय में। तो इस समय इसका कोणीय विस्थापन होगा वो डेल्टा थीटा इक्वल टू होगा डेल्टा एस अपॉन आर। इस समय इसका कोणीय विस्थापन होगा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों तरफ डेल्टा टी का भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, ये हो जाएगा वन अपॉन आर डॉट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है, मान लीजिए समयांतराल डेल्टा टी के अनंत सूक्ष्म यानी डेल्टा टी टेनिस टू जीरो होने पर, यानी मान लीजिए जो समयांतराल है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है तो डेल्टा टी टेनिस टू जीरो होगा, तो यहां पर हम लिमिट लगा देंगे, इसमें ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेनिस टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू वन अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेनिस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इतना हो जाएगा। तो ये लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वन अपॉन आर, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। तो यहां पर ये डी थीटा अपॉन डी टी है, ये क्या होता है, ये होता है कोणीय वेग, और डी एस अपॉन डी टी ये क्या होता है, ये होता है रेखीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, रेखीय वेग को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी रेखीय वेग यानी वी वी अपॉन आर, तो वी इक्वल टू यहां से हो जाएगा आर ओमेगा। दोस्तों यही कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है। धन्यवाद दोस्तों।